वेलकम है लोन दी चैनल sharebazaar.com। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ अडानी ग्रुप शेयर के बारे में। तो गाइस अडानी ग्रुप को शेयर को लेकर जो है काफ़ी बड़े अपडेट्स आए हैं वो ये हैं कि अडानी ग्रुप की वजह से गाइस LIC के स्टॉक में भी जो गाइस काफ़ी ज़्यादा जो गाइस बिकवाली हुई है। और LIC का जो स्टॉक है गाइस वो इस वजह से हुआ है क्योंकि LIC का इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अडानी ग्रुप में, जिस वजह से इनके स्टॉक में भी जो है काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई है और वो 52 वीक का लो बना चुका है। तो गाइस इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें, ताकि आपने अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूँ, अडानी जो गाइस बातचीत में है और प्रिपरेशन कर रहा है कि वो कुछ शेयर्स को जो गाइस प्लेस कर सकता है ताकि वो लोगों के कॉन्फिडेंस को दोबारा से जीत सके। और शेयर मार्केट से जो गाइस और डोजोन से जो है इसको रिमूव कर दिया गया है अडानी एंटरप्राइजेस को, तो अभी के लिए वहां पे जो गाइस इस शेयर को लेकर कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि अंबुजा सीमेंट और ECC के किसी भी शेयर को जो है गाइस इन्होंने प्लेस नहीं कर रखा है, ऐसा इनके जो प्रमोटर्स हैं अडानी ग्रुप के उनका जो है कहना है। और 7 डेज जो है गाइस जैसे कि हम देख रहे हैं कि अडानी के शेयर के प्राइसेस में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गाइस लोअर हुए हैं और इनके जो FPO को भी विड्रॉल कर लिया गया है, तब से जो है शेयर के प्राइस को जो है डिक्लाइन कंटिन्यूसली जारी है और अडानी जो है गाइस FPO से भी जो है गाइस विड्रॉल कर लिया है। वहीं पे गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप उन लोगों में से जिनका स्टॉक रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रहती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल sharebazaar.com को ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप के जो स्टॉक हैं गाइस वो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद से ही जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गाइस शॉर्ट सेलर के द्वारा ऑपरेट करे गए हैं और इस वजह से जो है कंपनी के स्टॉक में भी जो गाइस काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई है। और इनका मानना है कि इस कंपनी को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ है, इस वजह से जो है स्टॉक में जो है काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ टाइम से जो है डिकेट से इनको जो मैनिपुलेट किया जा रहा था, ऐसा उनका मानना है। तो आज की वीडियो हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को